जय माता दी। पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही यहाँ पर, हमारे साथ टाइम ही नहीं इनको बैठने का। आपकी वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्ते जी, पहला प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग, एकदम स्वस्थ साधु मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीओडी व्लॉग्स में, यानी कि विजय सिंह कफोला के साथ। तो दोस्तों, ये अभी मैं मेन रोड में पहुंच गया हूं, यहां से हमारे गांव जाने वाला रास्ता। और नीचे देखिए नर्सरी आजकल बिल्कुल मस्त लगी हुई है। बड़े दिनों बाद पिंडर नदी का भी पानी साफ हो गया है, बिल्कुल हरा हो गया है। तो अभी इंतज़ार करते हैं उस लड़के का जो अभी आने वाला है मेरे को लेने को। ये एक घंटे बाद अभी आ रहे। बधाई हो, बधाई हो, बंदे ने नई स्कूटी ले ली है। तो आसू भाई को, ये आसू है हमारा छोटा भाई, बधाई हो आपको, धन्यवाद मेरे भाई, नई स्कूटी की। तो ये बड़ा टाइम लगा दिया इसने मेरे को लेने के लिए। तो चलते हैं अभी घूमने, देखते हैं आज हमारा प्लान कहाँ का बनता है। हमारा सफर बिल्कुल समाप्त होने वाला है गाड़ी का। अब इसके बाद पैदल यात्रा हमारी शुरू होगी बलानगढ़ी। हम पहुंचने वाले अभी बीना तोली में, हम पहुंचने वाले हैं। तो पहले बीना तोली आपको दिखाते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे को चलेंगे। क्यों दोस्तों, चलिए फिर। और हम यहाँ पे बीना तोली में पहुंच चुके हैं। बीना तोली में पहुंच गए हम। ये हमारे संदीप भाई भी मिल चुके हैं, गाड़ी तो यही पर संदीप भाई लापता। दोस्तों आज हम तीन बंदे पहुंचे अभी यहाँ पर। देखिए आज हमारा साल का पहला दिन है, 2024 का पहला दिन, मतलब 1 जनवरी। और आसू और देवेंद्र भाई और मैं पहुंचा हूँ अभी। और अभी हम जाने वाले बदानगढ़ी मंदिर, और अभी हम हैं यहाँ पर बीना तोली में। यहाँ से अब हमारा पैदल यात्रा शुरू होगी। इससे पहले हम आई स्कूटी में, ये आसू सिंह की बिल्कुल नई स्कूटी, आपको हमने पहले ही बता दिया था। क्यों दोस्तों, वैसे सच बताएं तो हमारा कुछ ऐसा प्लान था नहीं कि हम माता रानी के चरणों में आज जाएंगे। ये अचानक से हमारा प्लान बना और अभी हम 12 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं बीना तोली में। यहाँ से अभी पैदल यात्रा शुरू कर ली है हमने, साथ में हम तीन भाई हैं, बाकी हमारे साथ अभी कोई है नहीं। बाकी आगे बहुत भीड़ है आज। तो माँ बदानगढ़ी के मंदिर को हमने बहुत बार दिखा लिया है इस व्लॉग में, लेकिन आज कुछ अलग है, पहला दिन है साल का। तो शुरुआत माँ बदानगढ़ी के दर्शन से आपको कराएंगे। और सबसे पहले एक बार जोर से बोल दो जय माँ बदानगढ़ी की। जय माँ बदानगढ़ी, जय हो, जय हो, जय हो। और ये देखिए नीचे ना, ये SSB कैंपस है, काफी खूबसूरत है, पूरा चारों ओर से 5 बुरास के पेड़ों से घिरा हुआ। और अभी जो हम सीढ़ियाँ चढ़ लेना, लगभग लगभग इसमें 800 सीढ़ियाँ हैं। हमने पिछले बार भी आपको बताया था पुराने व्लॉग में, जो हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे उनको हम ये बता दें उनकी जानकारी के लिए। दोस्तों जब हम इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं ना, तो हमारी थकानों को बताओ क्या मिटाते हैं। ये खूबसूरत से नज़ारे देखिए, आए हाय, सामने पूरे बादल लगे हुए हैं, इधर त्रिशूली पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत, जो आपको आगे से अगर दिखेगा तो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं, काफ़ी सांस फूल ली है। ये हमारे लौंडे, थकान लग रही है ना। ये देखिए ये सामने दिख रहा है ना हिमालय पर्वत, अभी बादल लग गए हैं यहाँ ना, तो इसलिए साफ दिख नहीं पा रहा है। तो यही है त्रिशूली पर्वत, इस बार बर्फ़ बहुत पिघल गई है, बर्फ़ भी नहीं पड़ी इस बार, इसलिए तो यहाँ पर सूखा सूखा लग रहा है इस बार। अरे चश्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को लग रहा है। आँखों क्या लग रहा है ना, बेकार, पर कैमरे में चमक रहा है। ए लाट, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी जेब में कुछ निजाम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जय माता दी।
मन्नत पूरी होगी तुम्हारी, तीन चांस मिलेंगे आपको। तो दोस्तों अभी यहाँ पर लोग मन्नतें मांगने से जब घर जाते हैं उसमें पत्थर फेंकना पड़ता है, उस पत्थर में अटकाना पड़ता है, तो उसकी मन्नतें पूरी होती है। तो सभी लोग करते हैं जब घर को जाते हैं तो उस समय, बाकी हम उस समय हम फेंकेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हम बहुत नज़दीक हैं माँ बदानगढ़ी के चरणों के, तो बस अभी आगे को बढ़ते जा रहे हैं और आनंद लेंगे। इसके बाद मंदिर में जाके बहुत सुकून मिलेगा सच में। ये रास्ते बड़े मजबूत हैं, तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में इन्होंने आज शॉर्टकट जिंदगी कर दी आज। ये देखिए कुछ इस तरह होते हैं यहाँ के रास्ते। ये रहे, जोर से बोलो सारे, बोलो अरे जोर से बोलो, बोलो माँ नंदा राजराजेश्वरी के, बोलो माँ बदानगढ़ी की, बोलो दक्षिणेश्वरी काली मैया की, जय माता दी। बस भैया पहुंच गए हम तो, दादी जी भी देखे। दादी जी चलो, तुम आने की जानी आओ, जाओ जाओ, जय हो भैया, पहुंच गए। तो दोस्तों बस हम मंदिर में पहुंचने आने, पहले कर लेते हैं मंदिर के दर्शन, उसके बाद करेंगे आनंद लेके सुकून लेंगे, मतलब सुकून से बैठेंगे कहीं पर। ओ माँ काली की जय हो। बस भैया पहुंच गए हैं अब, जय माता दी, जय माता दी, बजा दे घंटी, जय माता दी, पहुंच ही गए आखिरकार। तो दोस्तों पहले कर लेते हैं दर्शन, उसके बाद दिखाएंगे आपको यहाँ का नज़ारा, क्यों? तो दोस्तों पहले हाथ पैर धो लेते हैं नीचे पानी में, उसके बाद तब जाएंगे मंदिर के दर्शन फिर करेंगे, क्यों? तो दोस्तों बड़े दूर से हमारी बहन आ रही है थराली से, और इन्होंने खा दिया है, पहले तो पूरा खा लिया है, अब फिर अभी ये बर्तन धोने आ रखे हैं, लेकिन इन्हें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ पर पानी देखिए बहुत कम है, और मैगी का पतीला देखिए, यहाँ मैगी खाने आ रखे थे यहाँ स्पेशल, ये देखिए। अपना अपना शुभ नाम बताइए आप लोग। मेरा शुभ नाम है प्राची। अच्छा, मेरा शुभ नाम है अंशिका पवार। और आपका? मेरा नाम अंशिका देवराड़ी। अंशिका देवराड़ी, और ये भी आपके साथ है? हाँ। इनका नाम क्या है फिर? ये प्राची जी, आपका नाम क्या है बोलो? मेरा नाम प्राची। अच्छा, और बगल वालों का? रिया। रिया, अच्छा चलो धो फिर अच्छे से साफ साफ, मिलते हैं तब। जय माता की। काफी भीड़ है, भीड़ काफी है, काफी है। आज माता रानी के दर्शन के लिए बहुत भीड़ है, तो यहाँ पर नंबर आना मुश्किल लग रहा है आज। माँ दक्षिणेश्वरी काली मैया की जय, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोलो माँ बदानगढ़ी की जय। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं माँ बदानगढ़ी के, हमने दर्शन कर लिए, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये हमारे माँ बदानगढ़ी का मंदिर। तो दोस्तों हमारी टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया है, वरना भीड़ बहुत थी यहाँ पर, बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बहुत लोगों ने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों अभी शाम के समय ना भीड़ पूरी कम हो गई है, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी शाम के समय माँ बदानगढ़ी का ये चौक। तो सुबह से काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन अभी बहुत कम हो चुकी है भीड़, सभी लोग चले गए हैं घर को, तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पर बैठ के। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो
तो आपको दिखाते हैं गाड़ी में हमें कौन कौन मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे ब्लॉगर साहब, नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो भैया, बड़े टाइम बाद मौका मिला आपसे मिलने का। तो इन्होंने खा ली है मैगी और हमको नहीं खिलाई अकेले अकेले। तो आप लोग दिखे नहीं, हमने तो बहुत सारी मैगी बनाई थी और सबको खिलाया हमने जो जो आए। अरे आप लोग दिखे नहीं, हमने आवाज लगाई, आप लोग दिखे नहीं हमको। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके सर। अभी हम गाड़ी में जा रहे थे, ये हमारे बड़े दूर के सब्सक्राइबर मिले हमें। कम कम बातें करो रे, लाओ एक खींच दे रहे इनकी। दोस्तों अभी हम आ रखे हैं गली में, देखिए भीड़ देख रहे हो आप यहाँ, भाई साहब क्या भीड़ है। जो यहाँ पर के नजारे ने गली टॉप देखिए कितना खूबसूरत लगता हुआ ना। यहाँ पर आशु सिंह हमारे फोटोग्राफर आज लगे हुए हैं अपने काम पे, बहुत परेशान हो गए लोगों की फोटो खींच खींच के। यहाँ पर ना सभी लोग फोटो खींचने आते, अगर आप बड़ा बदान गली आ रखे हो तो यहाँ पर फोटो खींचना मतलब बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो काफी अच्छे नजारे भी दिखते हैं। बाकी देव भाई लगे हुए अपने बात करने में, ना हमारे साथ टाइम ही नहीं इनको बैठने का, पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हैं ये। चल भाई बैठ जा। दो अनजाने अजनबी बैठे हुए हैं जहाँ पे विजय भाई की फोटो शूट चल रहा है। विजय अभी देखने इधर से माँ बदालगढ़ी का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। देखिए भक्तगण भी सभी चले गए हैं थोड़ा थोड़ा करके, चौक पूरा खाली हो गया है। यहाँ पर बैठ के बहुत सुकून मिल रहा है, पिछले साल को भूल के एक नए साल की शुरुआत हो रही है माँ बदालगढ़ी के चौक से। दोस्तों आप चलते हैं घर को, एक बार सभी बोलेंगे जी। बोलो माँ बदालगढ़ी की। तो चलते हैं घर। ये पीछे से देखो, ये इनसे भी मिलाते हैं आपको अभी। हाँ ब्लॉग में डालेंगे आपकी वीडियो, आपकी वीडियो दोबारा। तो आप लोग पहले बताओ तो सही, आप कहाँ कहाँ के हो? थराली के हो ना आप लोग? अरे क्योंकि मेरे को दिखते रहते हो ना आप लोग। हाँ कौन यू? ये ढोंगली का है। अब हम चल दिए बधानगढ़ी से वापसी थराली की ओर। जा जा लाटे, जा जा जा। तो दोस्तों साल का पहला दिन आज माता रानी के दरबार में गुजारा, माँ बधानगढ़ी के चरणों में। तो बहुत खुशी, आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको न्यू ईयर मनाना है अच्छे से तो आप मंदिरों में जाएं, सुकून से बैठें, और जो पिछले साल का टेंशन होगा ना उस टेंशन को भगा दें मंदिरों में जाके, बिल्कुल वहाँ बहुत सुकून मिलता है सच में। तो अभी मैं पैदल पैदल निकल गया हूँ घर को, तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी करते नहीं है, यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।